तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं तेरी बातों ने ऐसा उछाल दिया डे 10 के कलेक्शन की। फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों, दिन है संडे का और धमाका दोस्तों बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे, कई सारी बातें करने वाले इस मूवी को लेकर। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबा दें, नया चैनल सपोर्ट करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जब भी आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये मत बताना कि भाई समझ में नहीं आया दोस्तों। अब बात करते हैं भाई तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया मूवी के बारे में। दोस्तों आप सबको तो पता है कि शाहिद कपूर की ये तकरीबन तीसरी मूवी दोस्तों ब्लॉकबस्टर होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो बॉलीवुड की बात करें दोस्तों, बॉलीवुड की शुरुआत 2024 में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और अच्छी हुई है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों फाइटर ने यहाँ पर खास कमाल कराया दोस्तों, 25 जनवरी को सिनेमा घर में उतर के भाई ये मूवी भी हिट हो चुकी है। बाकी दोस्तों तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया ये मूवी भी दोस्तों हिट बल्कि सुपरहिट होती हुई नज़र आई दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो दिन है 10 और दोस्तों वैसा दिन है संडे का, यानी कि भाई पूरे हिंदुस्तान का हॉलीडे दिन। यहाँ पर बात करते हैं अब मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की दोस्तों। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 10-12.45% निकल के सामने आ रही है। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 27.41% निकल के सामने आ रही है। इवनिंग ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 36.48% है और नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 27.67% है। इसी के हिसाब से दिन है संडे का और हिंदी में बोल तो रविवार दोस्तों। इसकी जो 10 डे की जो एडवांस बुकिंग हुई थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो इतने जो कलेक्शन करा दोस्तों 6 करोड़ इनने छाप लिया भाई संडे के दिन। बाकी इसका इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका दोस्तों 58 करोड़ 2 लाख रुपए। इंडियन ग्रोसर की बात करें दोस्तों 62 करोड़ 65 लाख रुपए कमा चुकी है। ओवरसीज के अंदर 92 करोड़ रुपये कमा चुकी है दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो चुका है भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो 92 करोड़ रुपए। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों ओवरसीज कलेक्शन और दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये डे 9 की रिपोर्ट है। डे 10 की रिपोर्ट आपको शाम को पक्का मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि भाई डे 10 के अंदर इनने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है दोस्तों अपने कलेक्शन के मुकाबले में दोस्तों। इसी के हिसाब से इसका जो बजट है वो 75 करोड़ बताया जा रहा है। बाकी दोस्तों इसने जो कलेक्शन कर लिया अब तक 92 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है दोस्तों हमारे हिसाब से और बोली किंग के हिसाब से और सोर्स के हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे पास रिपोर्ट आती है उस इसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये जो हमारे हिसाब से बोली किंग के हिसाब से भाई अभी हिट फिल्म हो चुकी है। बाकी दोस्तों कुछ दिनों बाद ये सुपर हिट पाएगी और दोस्तों और संडे और शनिवार और फ्राइडे को इतने अच्छा प्रदर्शन करा दोस्तों ये ब्लॉकबस्टर भी आ सकती है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भाई हमारे हिसाब से तकरीबन ये 150 करोड़ के आसपास ये लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, नया चैनल सपोर्ट करना भाई साहब।